एक आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ 724 वर्ग सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल 132 वर्ग सेंटीमीटर और एक ऊर्ध्वाधर फलक 110 वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छा, आधार का क्षेत्रफल के साथ साथ एक ऊर्ध्वाधर फलक का भी क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 724 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, 2 LB प्लस BH प्लस HL बराबर 724। तो भाग दे देंगे तो LB प्लस BH प्लस HL बराबर 2 3 6, 200 भाग दे देंगे तो, और 2 6 12 2 9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आधार का क्षेत्रफल LB बराबर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और एक अन्य ऊर्ध्वाधर फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है। फलक मान लेते हैं एक BH, ठीक। अब इन्हीं तीनों से हमको हल करना है। अच्छा, इसका इसका मान अगर इसमें हम रख देते हैं LB और BH का, तो HL हमको मिल जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 2 और 3 का मान एक में रखने पर तो ये हो जाएगा कितना, 132 प्लस 110 प्लस HL बराबर 724 और 362, 2 का भाग कर देंगे ना, तो ये हो गया 2 4 प्लस HL बराबर 362। HL बराबर, ये उधर भेज दें, 362 माइनस 242, 120 हो जाएगा। HL बराबर 120। अगर हम इसको समीकरण नंबर 4 कर देते हैं, तो 2 3 4 इसमें LV है, BH है, HL है, तीनों है। अगर किसी तरह से हमको LBH मिल जाता तो हम उसमें इसका भाग दे देते तो हमको B मिल जाता, इसका भाग दे देते तो L मिल जाता, इसका भाग दे देते तो एच मिल जाता। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 3 4 का आपस में गुणा कर दें, ऐसे कर दें, LB BH HL इनका गुणा कर दें, LB BH और HL। LB का मान कितना है, 132 गुणे 110 गुणे 120, ये हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 132। इसमें गुणा करेंगे तो 132 और फिर गुणे 100, 11 में 12 का गुणा करेंगे तो 132 और 2 0 है तो 100 कर देंगे। तो LBH वर्गमूल निकालेंगे तो ये देखिए 1 बाहर आएगा, यहां से 10 बाहर आएगा, यानी कि आ गया, हमको मिल जाएगा 1320। 3 4 तथा 5 से देखिए LBH में जब हम LB का भाग देंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको, 1320 भागे 132, ये तो ये कट जाएगा, H बराबर मिल गया 10 सेंटीमीटर, ठीक। फिर LBH में इसका भाग दे दें BH का, तो 1320 में 110, ये हो जाएगा 12 और इधर से
एल बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। फिर एल बी एच में किसका भाग देते हैं, एच एल का, 1320 बटे में एच एल का मतलब 120। और इधर से तो बी बराबर 11 सेंटीमीटर। एल का मान भी निकल गया, बी का मान भी निकल गया और एच का मान भी निकल गया, यानी कि लंबाई एल बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बराबर कितना 11 सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर 10 सेंटीमीटर। ये तीनों हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मैदान 250 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई 250 मीटर और 60 मीटर है। इस मैदान में एक तालाब 40 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा, 7 मीटर गहरा खोदा गया है और इससे निकाली गई मिट्टी को मैदान में बराबर कर एक साथ फैला दिया गया है। बताओ कि मैदान की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी। अच्छा, इसमें जो दिया हुआ है ना कि मैदान में एक तालाब, तो मैदान में करेंगे ना तो नहीं आएगा, मैदान से बाहर एक तालाब खोदी गई, यानी कि ये जो होगा मैदान और यहां पर एक तालाब इधर कहीं है, इससे मिट्टी लाई जा रही है, ठीक है ना। यहां पर ये चालीस पच्चीस सात, ये 40 मीटर, 25 मीटर और 7 मीटर ये गहरा खोदा गया और इसको ये 250 मीटर, 60 मीटर ये पूरा तालाब का मिट्टी जो है इसमें ला करके पाटा गया और एक साथ मिला दिया गया। तो ये पूछ रहा है जब मिला दिया जाएगा तो इसकी कुछ ऊंचाई हो जाएगी, जब उसमें मिट्टी गिरा दिया जाएगा और गिरा करके उसको एक बराबर सा कर दिया जाएगा तो उसकी कुछ ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई हो जाएगी तो वो एक आयताकार आकृति बना लेगा जिसकी लंबाई हो जाएगी 250 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 60 मीटर और ऊंचाई मान लेते हैं कि h है। तो ये जो आयतन होगा इस तालाब के मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो पहले निकाल लेते हैं तालाब की मिट्टी का आयतन, तालाब की लंबाई, तालाब की लंबाई L बराबर 40 मीटर, चौड़ाई B बराबर 25 मीटर और ऊंचाई H बराबर 7 मीटर। तो आयतन क्या हो जाएगा, मिट्टी का आयतन निकाले गए, मिट्टी का आयतन बराबर एल बी एच बराबर 40 गुणे 25 गुणे 7, 2500 का 100, 1000, 7000, 7000 घन सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद माना इस मिट्टी को, अभी कहेंगे मैदान का आयतन, बराबर
तालाब के मिट्टी का आयतन ये हो जाएगा 250 गुणे 60 गुणे एच बराबर 7000। एच बराबर कितना हो जाएगा 7000 बटे 250 गुणे 60 और 7/15 ये हो जाएगा आंसर।